Assalamualaikum and good morning. This lecture is recorded by Sarad Education School System for Grade 8. So topic number 1 is noun. What is noun? Noun, a name of a person, place or thing. Noun कहते हैं इसम को. इसम यानी किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज के नाम को हम noun कहते हैं. ऐसी चीजें जो आपके सराउंडिंग्स में मौजूद हो, जिसे आप टच कर सके और जिसे आप देख सके, उन्हें हम इसम कहते हैं यानी नाउन कहते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन. नाउन जो है वो टू टाइप्स पे डिवाइड होता है. एक है विजिबल नाउन और एक है इनविजिबल नाउन. विजिबल नाउन का मतलब है ऐसी चीजें जो आपको दिखाई देती हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में मौजूद है. और इनविजिबल फीलिंग्स को कहा जाता है, एक्सप्रेशंस को कहा जाता है जो सिर्फ फील किए जा सकते हैं और ना देखे जा सकते हैं, ना ही उनको टच किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवरी, बहादुरी, इंटेलिजेंस, जहानत, फेयर, खौफ, विजडम, अकलमंदी, लाए, झूठ, हेट, नफरत. इसी तरह तमाम फीलिंग्स जो हैं ये आपके पास होंगे इनविजिबल नाउंस. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेयर, टेबल, पेन, सीनरीज जो मनाजिर होते हैं, सराउंडिंग जो कुछ आपके इर्द गिर्द मौजूद है, पर्सन, प्लेसेस एक्सेट्रा आर विजिबल नाउन. ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको विजिबल दिखती हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इनविजिबल नाउन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि काइंड्स ऑफ नाउन में हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ नाउन है, तो उन्हीं काइंड्स ऑफ नाउन को डिवाइड किया गया है विजिबल पे और इनविजिबल पे. जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इनविजिबल नाउन में काउंट होता है, और प्रॉपर, कॉमन, मटीरियल, कलेक्टिव नाउन काउंट होते हैं विजिबल नाउन में. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन. हमारे पास नाउन की कितनी अकसाम है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब है ऐसा इसम जिसे हम बोलते हैं इसमें मुअल्लफा. ठीक है, ऐसा इसम जो कि किसी प्रॉपर नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी पर्सन के नेम को या किसी इंस्टीट्यूशन के नेम को जो है वो रिप्रेजेंट करे. इसके टू कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट है, इट हैव नो सब्स्टिट्यूट, इसका कोई मुतबादल नहीं होता. इट स्टार्ट कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर से. फॉर एग्जाम्पल, एजाज, अरहम, सना, अलीना, पेरिस, इंडिया. अब आप देखिए जितने भी प्रॉपर नेम्स हैं, ठीक है, इनके जो फर्स्ट वर्ड है वो सब कैपिटल लेटर से लिखे गए हैं. सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बंदा है जिसका नेम यहाँ पर है एजाज, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर बंदे का नेम है. लेकिन जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं इस बंदे के, और जो इसकी फ्लॉज हैं, यानी जो इसकी खूबियां हैं, खामियां हैं, जो इसकी हैबिट्स हैं, वो दूसरे एजाज नाम के लड़के में नहीं मिलेंगी. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इट हैव नो सब्स्टिट्यूट, के इसका जो है कोई मुतबादिल नहीं होता. तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है, क्योंकि हमें एजाज की करेक्टरिस्टिक दूसरे एजाज में नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का हमें एक जो है हमारा पॉइंट क्लियर हो गया. और सेकेंड, कि कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं सबके. आप फर्स्ट लेटर देखें तो सब कैपिटल है. ठीक है, सेकेंड है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इसमें नकरा, ठीक है, यानी ऐसा नाउन जो कि दो प्रॉपर में कॉमन हुआ है, जैसे एजाज और अरहम. तो हमें कॉमन क्या है कि ये बॉयज है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, फिर सना एंड अलीना, इनमें क्या कॉमन है कि ये गर्ल्स हैं. पेरिस और इंडिया, इनमें क्या कॉमन है कि ये प्लेसेस के नेम है. तो ये सारी काइंड जो है ये आपस में इंटरलिंक है, ये दूसरे से जुड़ी हुई है. कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव के नेम से हमें पता चलता है कि ऐसे नाउन जो कि जब इंडिविजुअली सारे नाउन एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. When we collect each individual noun, ठीक है, जब एक एक नाउन इकट्ठा होता है तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास. अगर स्टूडेंट का नेम लेकर हम उसे
प्रॉपर नेम होगा वो प्रॉपर नाउन है, अगर सिर्फ हम गर्ल कहेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा, और जब वो ग्रुप की फॉर्म में आ जाएंगी तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। थर्ड है अ ग्रुप ऑफ काउ इज कॉल्ड हर्ड, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ काउ है उसे हम हर्ड कहते हैं। सिमिलरली ग्रुप ऑफ प्लेयर जो है वो टीम कहलाती है, अगर प्लेयर का नेम होगा तो प्रॉपर नाउन है, अगर सिर्फ प्लेयर्स बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन है, और जब हम टीम लगाएंगे यानी तमाम प्लेयर्स इंडिविजुअल एक नाउन होते हैं, जो तमाम इंडिविजुअली नाउन इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे वो टीम है, ठीक है। फोर्थ वन है मटीरियल नाउन, अ नाउन इन अ रॉ फॉर्म इज कॉल्ड मटीरियल नाउन, ऐसा नाउन जो फिलहाल अपनी रॉ फॉर्म में है, अभी वो रिफाइन नहीं हुआ, ठीक है, उसे मतलब अभी तक कोई कॉन्क्रीट शेप नहीं हुई, उसे हम करेंगे मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, गोल्ड, सैंड, शुगर, ये अब सारे रॉ मटीरियल, मतलब ये अभी अपनी रॉ फॉर्म में है, अपनी अभी रिफाइंड फॉर्म में नहीं आए। तो जब हम मिल्क से बटर चीज या कर्ड बनाते हैं, कर्ड मीन दही, जब हम इसे बटर चीज या कर्ड बनाएंगे तो उस वक्त ये प्रॉपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक ये मिल्क की फॉर्म में है, जब तक ये अनरिफाइंड फॉर्म में है, ये मटीरियल नाम रहेगा। सिमिलरली गोल्ड यानी सोना, अब सोना जो है जब तक कि वो अनरिफाइंड फॉर्म में है वो मटीरियल नाम रहेगा, जब तक कि हम उससे कोई रिंग या कोई गोल्ड सेट जो है वो नहीं बना रहे, जब तक वो किसी कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं आ जाना, ठीक है। फिर है सैंड, सैंड यानी कि मट्टी के जला, अब जब तक वो सैंड ड्यून्स की शक्ल अख्तियार नहीं करते वो मटीरियल नाम रहेंगे। फिर है शुगर, अब शुगर जब तक रिफाइंड फॉर्म में नहीं आती यानी कैंडी और स्वीट्स की फॉर्म में नहीं आती वो मटीरियल नाम रहेगी, ठीक है, ओके। फिफ्थ वन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अ नाउन व्हिच इज नॉट इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म और इन अ शेप, ऐसा नाउन जो कि हमारे पास एक सही शेप या फॉर्म में नहीं मौजूद होता उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस जैसे जहानत, विजडम अकलमंदी, फेयर फॉर, लाइफ झूठ, ट्रुथ सच्चाई, एंगर गुस्सा, ये सारी हमारी फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो किसी के रिएक्शन पर या किसी के एक्शन पर जो है वो डिपेंड करती हैं, और इन ये जो हमारे पास फीलिंग्स होती हैं ये ना ही काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है प्लूरल भी नहीं बनता, आप देखिए इंटेलिजेंस का कोई प्लूरल नहीं बन सकता, विजडम का कोई प्लूरल नहीं बन सकता, इसी तरीके से जितनी फीलिंग्स होती हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होती हैं, और इनका ना ही प्लूरल बनता है और ये अनकाउंटेबल होती है। वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, वर्ब का मतलब है एक्शन का और एडजेक्टिव यानी नाउन या प्रोनाउन की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर जो उनके फ्लॉज होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हम वर्ब और एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। एक्सरसाइज देखें, ये है आपके एडजेक्टिव्स और ये है आपके वर्ब। अब एडजेक्टिव से देखें काइंड, ठीक है, काइंड को हम चेंज करेंगे एब्स्ट्रैक्ट में यानी काइंडनेस। क्रूअल ये आपके पास एडजेक्टिव है, ये चेंज होगा एब्स्ट्रैक्ट में तो क्रुएलिटी बन जाएगा। ब्रेव ये आपके पास एडजेक्टिव है, जब चेंज होगा एब्स्ट्रैक्ट में तो ब्रेवी बन जाएगा। सिमिलरली वर्ब है, वर्ब में है आपके पास ग्रोथ, जब ये चेंज होगा एब्स्ट्रैक्ट में तो ग्रोथ, बिलीव चेंज होगा एब्स्ट्रैक्ट में तो बिलीव, जज चेंज होगा एब्स्ट्रैक्ट में तो जजमेंट, ठीक है। इसी तरीके से कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर जो थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन के नेम से हमें ये पता चलता है कि ऐसा नाउन या ऐसा नेम, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर एंड लॉ, इसमें हमारे पास तीन वर्ड यानी तीन नाउन यूज हुए हैं लेकिन ये एक ही रिलेशन शो कर रहा है, मतलब कि एक ही शो कर रहा है। अब जब हम कंपाउंड नाउन को चेंज करेंगे सिंगुलर और प्लूरल में तो हम स्टार से ये रूल पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं तो आखिर में एस और एस लगाकर आप उनके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कंपाउंड नाउन में ये थोड़ा केस चेंज होता है। इसमें आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना होता है, तो आपने इनमें जो है
मेन वर्ड देखना होता है जो आपको प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो, तो उसी के साथ आपने एस लगाना होता है। जैसे फर्स्ट है ब्रदर इन लॉ, इसमें इन और लॉ कोई मीनिंग खास नहीं दे रहा, लेकिन ब्रदर जो है ये आपको सही मीनिंग दे रहा है, तो आपने ब्रदर के साथ एस पुट कर देना है। पासर बाय, अब पासर बाय जो है इसमें बाय कोई मीनिंग नहीं दे रहा और मेन वर्ड यहाँ पर पासर है, तो पासर के साथ हम एस पुट कर देंगे। ऑन लुकर, ऑन कोई मीनिंग नहीं दे रहा, लुकर जो है वो मेन वर्ड है, जिसके साथ हम एस पुट कर देंगे। स्टेप सन, स्टेप सन में जो है आपके पास स्टेप कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा, सन के साथ आपने एस पुट कर देना है। फिर है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ जो है अगर आप देखें देख कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो आप कमांडर के साथ एस को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपका नाउन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों ने अपनी बुक्स में नाउन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने बार बार पढ़े हैं, इस लेक्चर को बार बार सुनना है, और काइंडली नाउन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अपनी इंग्लिश ग्रामर कॉपी से कर लें। पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो ये लेक्चर बार बार बच्चों को दिखाएं, ताकि अगर उनके कोई डाउट्स हैं या फिर उनको कोई क्लियर करना है तो वो काइंडली इस